गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 14 दैट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट एज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। एज वी नो, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इट हैज पॉजिटिव चार्जेस सच एज प्रोटॉन, सो दे अट्रैक्टेड द एटम। वेयर इज नेगेटिव चार्जेस दैट इज इलेक्ट्रॉन वेरी लाइट एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट मोशन around the nucleus. The free electrons of a good conductor such as copper and aluminium etc. start flowing in one direction when connected with to a source of electricity. Example, when we switch on the bulb and fan, the electricity flowing through the wires is actually the flow of electrons. This flow of electrons, electric charges through a conductor is known as electric current. Electric cell as a source of electricity. Let us study about an electrical cell to understand electricity better. We use cells in torches, watches, calculator, toys, etc. Students, जब आप cell को ध्यान से देखते हैं तो cell में कुछ marking रहती है. Cell की एक side पर पॉजिटिव साइन होता है और दूसरी साइड पर नेगेटिव साइन होता है। हैंस अ सेल हैज़ टू टर्मिनल्स। सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है। रजिस्टर एज कंपोनेंट दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर इट ऑफर्स सम ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। The obstruction by a wire is called its electrical resistance. So, resistance is a physical quantity that opposes the flow of current. Symbolic representation of electrical components. In dealing with electric currents, we can use these symbols. Components and symbols. First, electric cell. Second, battery of two cells. Third, electric bulb. Fourth, key or closed switch. Fifth, open switch. Sixth, connecting wire. Seventh, ammeter. Eighth, voltmeter. Ninth, resistance. Simple electric circuit. There is a complete pathway of flow of electric current. This pathway is known as electric circuit. अगर आपका इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा तो ही बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं। एक स्मॉल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू प्रूव दैट करंट कैन फ्लो ओनली व्हेन देयर इज अ कंप्लीट सर्किट। ड्राई सेल, अ बल्ब एंड अ कॉपर वायर। इस एक्टिविटी में आप कॉपर वायर, बल्ब और सेल को कनेक्ट कर लीजिए जैसा आपको डायग्राम में शो किया जा रहा है। अगर में देखिए ए और बी पॉइंट के बीच में स्पेस है, यानी सर्किट कंप्लीट नहीं है, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। हम गैप ए और बी के बीच में एक पेंसिल शार्पनर को फिट कर देंगे। विल फाइंड द बल्ब ग्लोस नाउ। द इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट। बैटरी एज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स की बना सकते हैं। बैटरी में हम एक पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। अगर हम बैटरी के दोनों टर्मिनल्स सिमिलर टर्मिनल्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। सिमिलरली बैटरी विल नॉट वर्क व्हेन वी कनेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल्स टूगेदर। द सिम्बल्स फॉर अ बैटरी ऑफ टू सेल्स, थ्री सेल्स और मोर सेल्स आर शोन ब्लू। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Materials can be divided into two groups, conductors and insulators. Conductors, materials that allow electric current to pass through them are called conductors. All metals are good conductors of electricity. Carbon in the form of graphite is the only non-metal which is a good conductor of electricity. The electric current is conducted through human body also. Impure water is a good conductor of electricity, whereas a distilled water not. Insulators,
those materials which do not allow electric current to pass through them are called insulators. Materials such as plastic, rubber, wood, glass, polythene, PVC, etc. are all insulators. To check whether the given material is a conductor or an insulator, for this, take a dry cell, a bulb and a copper wire. गिवन फिगर के अकॉर्डिंग आप इन्हें कनेक्ट कर लीजिए और ए और बी के बीच में क्या स्पेस रहने दीजिए. विद द कैप सर्किट इज नॉट कंप्लीट एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो. नाउ टेक अ पेपर क्लिप एंड फिट इन द गैप ए बी. यू विल फाइंड दैट द बल्ब ग्लोज. रिमूव द क्लिप. नाउ फिट अ रबर इरेजर. डज द बल्ब लाइट अप? नो. आप इस गैप में कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को प्लेस करके देख सकते हैं. अगर बल्ब ग्लो होगा तो वो गुड कंडक्टर है और बल्ब ग्लो नहीं होगा तो वो इंसुलेटर है. थैंक्स चिल्ड्रन.